स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के एक हफ्ते बाद जागा स्वास्थ्य विभाग। औलाद की कीमत क्या होती है, ये तहसील कैंप निवासी नरेश वर्मा से बेहतर शायद कोई नहीं जानता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नरेश वर्मा को जब पहली शादी के बाद लाख जतन करने के बाद भी औलाद का सुख नहीं मिला तो उसने दूसरी शादी की और करीब 20 साल बाद एक बेटे ने जन्म लिया। लेकिन फेलियर सरकारी सिस्टम के सामने शायद अब इंसान की कोई कीमत नहीं रही, ये हम नहीं नरेश वर्मा का कहना है, जिसने स्वास्थ्य विभाग और सरकारी सिस्टम पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। दरअसल तहसील कैंप निवासी नरेश वर्मा के दिल के टुकड़े 17 वर्षीय बेटे की बीती 14 तारीख को तबीयत बिगड़ गई थी। 15 को बेटे का कोरोना टेस्ट हुआ, 3 दिन बाद यानी 18 तारीख को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। नरेश वर्मा का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनके पास फोन तो आया लेकिन उन्हें होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ट्रीटमेंट या कोई दवा किट नहीं मिली। सर 14 तारीख को मेरा बेटा दीपक वर्मा है, 17 साल उसकी उम्र है, उसको अचानक बुखार, सिर दर्द और चेस्ट पेन हो गया तो मैंने घर में पैरासीटामोल पड़ी थी उसको दे दी और 15 को मैंने उसका टेस्ट कराया। 18 को मेरे पास सिविल हॉस्पिटल से फ़ोन गया कि आपके बेटे की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और कल डॉक्टर विजिट करेंगे और आपको दवाई वगैरह देंगे। मैं कहा जी ठीक है, उससे पहले मैं बाज़ार से दवाई लिया, 2 दिन मैंने खिला दी। तो 18 से 20 तक मेरे पास कोई नहीं आया। मैं गूगल से फ़ोन सर्च करके CMO ऑफिस से लेके और CMO ऑफिस और स्वास्थ्य मंत्री तक मैंने फ़ोन किए लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। कोई मुझे रेड क्रॉस का नंबर दे दे कि वहाँ कॉल करो, वो कहने लगे जी हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन है। किसी ने मुझे DC ऑफिस के नंबर दे दिए रीडर के कि आप वहाँ से फ़ोन करो, वो मुझे कहते हैं कि जी आप सिविल हॉस्पिटल में मिलो, CMO से मिलो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जब कहीं से कुछ नहीं हुआ तो मैंने धक्के धुक्के खा के 20 तारीख को मैं यहाँ से दवाई लेके गया। मैंने अपने घर बेटे को एक कमरे में अलग रख दिया, उसको दवाई वगैरह देता रहा और मेरे पास 25 को फ़ोन आता है कि हमने आपके घर विजिट करनी है और दवाई देनी है। मैं कहा जी 15 को रिपोर्ट आई थी, 15 को टेस्ट हुआ था, 18 को रिपोर्ट आई थी और आज 25 को 8 दिन के बाद आप दवाई लेके आ रहे हो, अब दवाई का क्या फायदा होगा, तब तक तो मरीज मर जाता है कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में। बाजार से खुद दवाइयां खरीदकर बच्चे को खिलाई गई। हालांकि कुंभकर्णी नींद में सोए स्वास्थ्य विभाग की नींद तो टूटी लेकिन करीब एक हफ्ते बाद यानी 25 मई को स्वास्थ्य विभाग ने उनसे संपर्क किया और घर पर एक मास्क, कुछ दवाइयां और एक सैनिटाइजर लेकर पहुंचे। नरेश वर्मा का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम करीब एक हफ्ते बाद पहुंची और जो किट सरकार ने मरीजों के लिए तैयार की है वो किट पूरी नहीं थी। वहीं पानीपत सिविल अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची DG हेल्थ उषा से भी नरेश कुमार ने अपनी शिकायत दी। DG हेल्थ ने मीडिया को बताया कि इस प्रकार की शिकायत उन्हें मिली है जिसकी जांच करवाई जाएगी। होम आइसोलेशन पर जो मरीज हैं उनको किस तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, क्या क्या दिया जाता है? देखिए इसके लिए हेडक्वार्टर से बड़ी क्लियर कट गाइडलाइन दी गई है जिसमें कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, कुछ आयुष की दवाइयाँ हैं, भाप लेने वाली मशीन है, पल्स ऑक्सीमीटर है, बेसिक चीज़ें उसमें दी गई है जो कि एक मरीज़ को होम आइसोलेशन के लिए चाहिए होती है। अगर वो किट पूरी उस मरीज़ को मिलती है तो उसको इसके बियॉन्ड कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में ही उसमें दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कौन सी दवाई कैसे लेनी है, क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें उस किट में अवेलेबल है। अभी जैसा कि अभी आपने बोला था कि होम आइसोलेशन के दौरान में जो भी जिनका उपचार रहेगा होम आइसोलेशन में रहेंगे उनको एक किट दी जानी है जिसमें तमाम सामान है, लेकिन एक जो अभी फिर उसी पे जाऊंगा मैं उस सवाल पे कि जो अभी मिले थे आपसे शिकायत की थी उन्होंने बताया कि ना ऑक्सीमीटर मुझे दिया गया उस किट के अंदर, ना स्टीमर जो है वो मशीन दी गई, ना थर्मामीटर दिया गया। उस शिकायत की क्या ऐसे अगर जो अधिकारी है जहाँ पर ऐसी कमियाँ पाई गई तो कुछ संज्ञान लेंगे आप? कुछ नहीं नहीं बिल्कुल उसकी हम जाँच कराएंगे, पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो सरकारी सिस्टम है उसका एक सिस्टम होता है चीज़ों को प्रिक्योर करने का। ऐसा नहीं है कि बाजार में गए, पैसा दिया और ले लिया, तो वो मैं जब तक जांच नहीं होगी इस बारे में कमेंट नहीं कर सकती हूँ। हो सकता है उस दौरान वो प्रिक्योर नहीं कर पाए हो, क्योंकि आप भी जानते हैं जब केसेस पूरे पीक पर थे तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट से तुरंत गायब हो रही थी,
लोग स्टोर कर रहे थे या प्राइवेट जो केमिस्ट है वो भी नहीं दे रहे थे होते हुए भी, तो बहुत कुछ हो रहा था। तो ये चीज़ें जब तक जांच नहीं हो जाती है कमेंट करना मुश्किल है। जांच के बाद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है यह तो बाद का विषय है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बड़े गंभीर सवाल खड़े करती है कि करीब एक हफ्ते का वक्त बीत जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग क्यों जागा। अगर समय पर इलाज ना मिलने की वजह से मरीज की मौत हो जाती तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।